सो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में आरव एक एक्ट परफॉर्म कर रहा है सरस्वती पूजा में। तो इसके लिए जो मैंने थीम सोची है वो इस बार हमने थीम सोची थी चाइल्ड लेबर के ऊपर। तो मुझे लगा कि जब एक हमें ऐसा एक मंच मिला है जहाँ पे इतने लोगों के बीच में हम कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, क्यों ना कुछ एक मीनिंगफुल चीज़ परफॉर्म करी जाए। तो मैंने सोचा कि चाइल्ड लेबर के ऊपर हम लोग ये एक्ट करते हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉप्स हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे थे। तो आरव और मैं दोनों मिलके यहाँ पे कुछ प्रॉप्स क्रिएट कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं। कुछ हमने पोस्टर्स क्रिएट किए जो हम बैकड्रॉप की तरह वहाँ पे स्टेज पे यूज़ करेंगे, और इस तरीके से कुछ पोस्टर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। और मुझे लगा कि जब कोई ऐसा मंच मिल रहा है और हमें कुछ परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो कुछ ऐसा परफॉर्म करें जिससे कि लोगों को एक अच्छा सोशल मैसेज मिले। तो वही सोचकर हमने आज का ये एक्ट तैयार किया था, और इसमें आरव ने बहुत मेहनत की थी और मैंने ये थोड़े से पोस्टर्स क्रिएट किए जिससे वो पूरा एक एनवायरनमेंट, पूरा एक लुक बहुत ही बढ़िया लगे। तो जब हम वहाँ एंटर हुए तो कुछ इस तरीके से वो जो पूरा पंडाल था वो सजा हुआ था, सरस्वती माता की मूर्ति रखी हुई थी, और यहाँ पर आरव का एक्ट होना था। और अभी अभी यहाँ पर हवन सम्पन्न हुआ है, तो आगे आरव ये एक्ट परफॉर्म करेगा, तो आप पूरे एक्ट को एंजॉय कीजिए। रूप यथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं, अपनी किस्मत की रेखा जूठे बर्तनों में घिसते हैं, घर बाजार वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। ये ले, इसे भी दो, वरना आज भी खाना नहीं होगी, समझी? आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? बच्चों से मत काम करवाओ, नन्हे हाथों को ना दुख पहुंचाओ, बाल व्यापार की रोकथाम हम सब मिलकर करें ये काम।
और यहाँ पे एक्ट खत्म होने के बाद पीछे आप देख सकते हैं मैं सारे पोस्टर्स को निकाल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का दूसरा एक्ट भी स्टार्ट होना था। और वैसे तो मेरा ये आइडिया था कि जब मैं यहाँ पे ये सब पिक्चर्स लगा रहा हूँ तो वीडियो शूट कर पाए, मगर इतना क्योस हो गया था कि हम लोग वो शूट ही नहीं कर पाए। तो ये सब पिक्चर्स यहाँ से हटाते हुए, और इसके बाद अब आरव को एक बहुत ही अच्छी सी ट्रॉफी मिली थी एक अच्छी स्पीच के साथ, जो आप यहाँ देख सकते हैं। आज समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है, जगह जगह आप देखेंगे बाल बच्चों को श्रमिकों के स्थान पर कभी होटल में ढाबों में ऐसे कामों में लगा देते हैं, उसके ऊपर था कि ऐसे बच्चों का शोषण ना हो। बहुत अच्छा इन्होंने प्रस्तुत किया अपना प्रोग्राम, उसके लिए मैं श्री गिरी जी से आग्रह करूंगा इनको मेडल देने के लिए। जो भी इन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया है हौसला अफजाई के लिए एक मेडल तैयार है इनके लिए, मैं इनको दे रहा हूं। एक बार दो बात आगे से स्वागत कीजिए, आगे ऐसे ही कार्यक्रम अच्छे से बेटे कार्यक्रम लेके आप आना और तैयारी करके आना, इससे बढ़िया कार्यक्रम आप लेके आना। और यहाँ पे और बच्चों ने भी बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस की, तो थोड़ा सा उसको भी आप एंजॉय कीजिए। सारे एक्ट पूजा और परफॉर्मेंस होने के बाद हर साल की तरह इसका संपन्न हुआ भंडारे के साथ, क्योंकि यहाँ पे सब लोग आप देख सकते हैं भंडारा खा रहे हैं, हम लोगों ने भी खाया। और आज से कहा जाता है कि सरस्वती पूजा के दिन से होली का आगमन हो जाता है, तो आज से होली की शुरुआत हो जाती है। तो आई होप हम लोगों ने जो थोड़ी सी कोशिश करी आरव और मैंने मिलके, और ये एक्ट जो हमने एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करी लोगों को, वो आपको अच्छा लगा हो। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो में।